जय हिंद, जय भारत। तो मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला और मैं लेकर आया हूं आज की शाम में, और सबसे बड़ी बात, आज की खूबसूरत शाम में हमारे साथ है श्यामलाल गांधी जी। और सबसे बड़ी बात है, श्यामलाल गांधी के बारे में बता दूं, इन्होंने वित्त मंत्री यानी कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और अब तक इन्होंने कितने चुनाव लड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये गांधीवादी है, गांधी के विचारों को मानते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी का नाम सरिता गांधी रखा है और बेटे का नाम रखा है संजय गांधी। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो मिसाल है, जो जी हाँ, जिनकी जिंदा दिली मिसाल है। सबसे बड़ी बात कि जब ये नेता बने तो इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा ऐसे चुलबुली अंदाजों में। आपको मैं एक नए करेक्टर के साथ शुरुआत कराता हूँ, सफर शुक्ला का नया करेक्टर लल्लू हिंदुस्तानी। आज सबसे पहले आपको स्वागत कहता है श्यामलाल गांधी जी के, आज शाम हमारी आप स्टूडियो में आए। तो ये बताइए, आपके माता पिता का नाम क्या है? मेरे माता पिता का नाम है जी, माता जी का नाम है गुलाबपति और मेरे पिताजी का नाम है रामदेव। आप रामदेव जी को मिले भी होंगे, और रामदेव जी आपके पिता थे और गुलाब की तरह आपकी राजनीति महकती है। तो आपने पहला चुनाव जब लड़ा तो वो किन के खिलाफ लड़ा था चुनाव? पहला चुनाव मैंने लड़ा था नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद में आपने किन किन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप गांधी जी, गांधी विचारों से कैसे जुड़े, सिलसिलेवार आप कहानी बताइए मेरे दर्शकों को लाइव में। जी मैं पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ा हूँ और अरुण जेटली के खिलाफ भी लड़ चुका हूँ और केंद्रीय मिनिस्टर है हरदीप पुरी के खिलाफ भी लड़ चुका हूँ और सिंगला जी कांग्रेस के उनके खिलाफ भी लड़ चुका हूँ और ओपी सोनी के खिलाफ भी लड़ चुका हूँ अमृतसर सीट से। और दो बार मैं विधानसभा हलका से सोनी जी के खिलाफ और डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ लड़ चुका हूँ हलका पश्चिमी से अमृतसर के। तो ये राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? आप तो गांधीवादी हैं, गांधी विचारों को मानते हैं, तो आखिर राजनीति में कैसे उतर आए आप? गांधीवादियों को आना बहुत जरूरी है सियासत में, क्योंकि गांधीवादी हैं जो गरीबों का दुख दर्द समझ सकते हैं। एक गांधीवाद, इसको गांधीवाद ना समझा जाए, ये गांधीवाद एक ऐसा गांधीवाद है कि इसको मतलब कि ये दुख पीड़ा लोगों की समझेंगे। जो दूसरे लोग हैं वो पीड़ा नहीं समझते, दुख नहीं समझते, ना हम उनके पास जा सकते। पर कोई भी अगर गांधीवादी एमपी एमएलए बनता है उनको बड़े ही सरल तरीके से हम मिल सकते हैं, सरल तरीके से अपने काम भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये बताएं, गांधीवादी एमएलए एमपी मिल जाए तो सरल तरीके से जनता की सुन ले। तो ये बताइए, देश में आखिर इतने एमपी एमएलए हैं तो कोई गांधीवादी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, अकाली हो या कोई भी सियासत पार्टी हो, तो क्या कोई गांधीवादी है ही नहीं? कोई गांधीवादी नहीं है जी। जो गांधीवाद अगर आ जाएगा समाज के अंदर या देश के अंदर तो भ्रष्टाचार और ये बेईमानी लूट घुसूट सब खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितना जोर पकड़ रही है, आटा कितना महंगा हो गया, प्याज कितना महंगा हो गया, ये सब महंगाई के कारण। आप महंगाई पे चुनाव लड़ते रहे, आपके मुद्दे क्या रहते रहे? जब आपने चुनाव लड़ा तो आपका क्या मैनिफेस्टो क्या था आपका? जो मैंने जो हरदीप पुरी थे जो अपना केंद्रीय मिनिस्टर है इस समय, उनके खिलाफ लड़ा था, तो मैंने मुद्दा रखा था कि बिजली 4-5 रुपये जूंट होगी, अगर जीतूंगा तो 5 रुपये जूंट कराऊंगा मैं। और पशु, आवारा पशु हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है लोगों को, उनके वजह से इनको रोकथाम किया जाएगा। और जो बुजुर्ग आदमी हैं जिनको बेटे नहीं पूछते, बहुएं नहीं पूछती हैं, बुजुर्ग तो सभी को होना है, पर बुजुर्ग होने से एक उनकी सेफ्टी के लिए मैं उनको जीत जाने के बाद उनको मतलब 3,000 रुपये पेंशन पर बुजुर्ग को देना चाहता था, ये मैं मेरा मुद्दा था चुनावी। सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों को बता दूं कि ये 3,000 रुपये पेंशन जो बुजुर्गों को देना चाहते थे, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है जब ये नेता बने और नेता बने तब इनको नौकरी छीनने गए, इसलिए नौकरी छीनने गए, ये नेता बन गए और इसीलिए 18 साल से किराए पर रह रहे थे और उनका घर छीन लिया गया, और उसकी वजह ये थी कि घर मकान मालिक ने सोचा कि ये नेता बन गए हैं तो इनका, आप जब नेता बने तो आपको अपना मकान भी छीन गया जो किराए पर रहते थे, आपकी नौकरी भी छीन गई, तो ये पहली गांधीवादी थी क्या? जी मैं इस लाइन में बहुत कुछ खो चुका हूँ, इतना कुछ खो चुका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये है कि मैंने अपने एक लोगों के लिए, एक समाज के लिए मैंने सब कुछ गवा लिया, नौकरी सारा कुछ गवा लिया, फिर भी मैं लोगों के भलाई के लिए खड़ा हूँ चट्टान की तरह। और मैं चाहता हूँ अगर फिर से अगर बाई चांस मैं खड़ा होता हूँ 2022 के लिए, तो अगर ये जिताएंगे तो फिर जो मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, जो सब मैं चाहता हूं कि वो लोग खोए ना, सब कुछ पा जाएं।
चलिए इनकी बहुत बड़ी हसरते हैं, 2022 का चुनाव अभी से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है गांधीवादी है, और आपने बिना दहेज शादी की और शगुन में आपने गांधीवादी की टोपी ली थी, वो क्या माजरा था? आपकी शादी कहाँ हुई? जी मेरा विवाह हुआ है उत्तर प्रदेश जिला देवरिया में, और भिंगारी बाजार की लड़की है उससे मेरी शादी हुई थी 2014 में। और मेरी पत्नी का नाम है सरिता गांधी, और मैंने मेरे ससुर ने कहा था कि हाँ भी आप बाबू, भोजपुरी में कहते हैं बाबू, अब पैसा ले ली सगन में, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की डिमांड आ गई थी मेरे पास। कहने लगे कुछ ले लो, कोई साधन बना लो। मैंने कहा नहीं, मुझे एक टोपी गांधी चाहिए, क्योंकि अगर मैं दहेज लूंगा तो और बच्चों के ऊपर कितना असर होगा, और समाज के अंदर ये भी बुराइयां हैं कि जो पैसे लेके लड़की लड़की का विवाह होता है, ये समस्या खत्म होनी चाहिए ये भी। तो दहेज विरोधी, और उन्होंने एक दहेज में एक टोपी ली थी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी पत्नी का नाम सरिता गांधी रखा और बेटे का नाम इन्होंने रखा संजय गांधी। तो मेरा एक सवाल है, आपने अपने बेटे का नाम, क्योंकि आज का युग है, बेटा भी आपका भी माशाल्लाह अभी जल्दी अभी छोटा है, तो जी आपने उसका नाम राहुल क्यों नहीं रखा, संजय क्यों रखा? क्योंकि गांधी परिवार है तो आपने संजय गांधी रखा, सरिता गांधी, श्यामलाल गांधी, तो राहुल गांधी क्यों नहीं रखा, या पप्पू नाम क्यों नहीं रखा? जी मेरा नाम शाह से शुरू होता है, शाह से सरिता, शाह से संजय गांधी। तो मैंने अपने शाह जो लगता है ना, शाह हिंदी का शाह, उसी के दरमियान रखा हुआ है। और जब मेरी पत्नी मेरे से शादी हो गई, मैं गांधीवादी हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम गांधियों में आ गया। और मेरी एक संतान है, 5-5.5 साल का मेरा बेटा है संजय गांधी, मेरे नाम से उनका नाम आगे जुड़ेगा, आगे पनीरी चलेगी, जो पीढ़ी है वो चलेगी। अच्छा ये बताइए, आपने महात्मा गांधी का जो बुत कंपनी बाग में लगा है, वहां पर आप वहां पर सेवा करते हैं, 2 अक्टूबर को जाकर आप अपने पति, आप और आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वहां पे आप बापूजी की, आप वहां पे कहानियां सुनाते हैं लोगों को, और सीताराम सीताराम करते हैं या जाप करते हैं, तो ये जाप करने की आपको कब लगन कब लगी? ये जो संजय दत्त की फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, तभी से मुझे लगन लगी, तभी से। वैसे तो मैं फॉलोवर शुरू से रहा हूँ उनका, महात्मा गांधी जी का, पर ये जो जाप का शुरू सिलसिला शुरू हुआ है लगे रहो मुन्ना भाई, केमिकल लोचा जो संजय दत्त बोल रहे थे। तो एक केमिकल लोचा है, और इन्होंने आपके दर्शकों को बताया केमिकल लोचा। सबसे बड़ी बात है केमिकल लोचा इनके दिमाग में हो या ना हो, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने गांधीवादी विचारों को माना है और गांधीवादी है, और ये टोपी पहनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ये इनको गनमैन मिले थे, जब आपको तब तो आपके पास साइकिल थे, तो गनमैन मोटरसाइकिल, तो बड़े मीडिया में आप छा गए थे पूरे वर्ल्ड में कि आप एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो गनमैनों के बाइक पे प्रचार करते हैं। जी जो गनमैन थे, जो पंजाब पुलिस ने गनमैन मुझे दिए थे, वो भी भगवान का रूप थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। और उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी मेरी लगी है, प्राइम मिनिस्टर के साथ ड्यूटी लगी है, पर ऐसे कैंडिडेट के साथ लगी है, ईमानदार कैंडिडेट के साथ, प्रत्याशी के साथ, जो कोई लालच नहीं करता, ना कोई भेदभाव रखता है, ना किसी के अंदर भ्रष्टाचार इसमें है, ये बिल्कुल साफ छवि का है। जब ये ऐसे लोग देशभक्त देश के काम आ रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। ईमानदारी से वो मेरे से काम करते थे, पैदल चलते थे, और कभी उफ तक नहीं करता था कि हाँ भी गलियों मोहल्ले में, कभी ये नहीं कहते थे मुझे कार लेके आओ, कार पे बैठना है, वो पैदल ही जाते थे मेरे साथ, और 6-6 घंटे कंपेनिंग दिन को वो करते थे कंटिन्यू। चलिए, स्कूल तो नहीं गए पर ये इन्होंने एमबीए की है राज्य में, तो ये बताइए नेता बनने में स्कूल आप नहीं गए, कभी सोचते हैं अपने आप को कि मैंने स्कूल नहीं गया तो मैं कहीं आड़े आती है पढ़ाई? जी पॉलिटिकल लाइन में पढ़ाई आड़े नहीं आती है, इसमें दिमाग चलाना पड़ता है, जो दिमाग चलाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात की, मुकद्दर का सिकंदर वही बनता है जिनका दिमाग चलता है। उनका दिमाग इतना चलता है कि बिना पढ़े हुए और इन्होंने जो काम किया है, अब तक कितने चुनाव लड़े हैं, और ये बताइए अब तक इलेक्शन में पैसा कितना खर्च किया है? इतने चुनाव आपने लड़े, एमपी के लड़े, एमएलए के लड़े, काउंसलर के लड़े, कितना पैसा आपने अब तक चुनाव में खर्च किया है? जी चुनाव में, हर एक चुनाव में मेरा कभी 12 हजार आ जाता है, कभी 18 हजार आ जाता है, कभी 22 हजार आ जाता है, ऐसे तरकीब बनाता है, क्योंकि पैसे की व्यवस्था है नहीं मेरे पास, खुद मैं मजदूर बंदा हूँ और अपना कमाई करता हूँ वही लगाता हूँ, कोई मुझे चंदा नहीं देता, कोई फंड नहीं देता, मतलब अपने बलबूते पे सब कुछ करता हूँ मैं। बस लोगों से मुझे चंदा मिलता है, प्यार का चंदा, विश्वास का चंदा, भाईचारे का चंदा, बस धन तो का चंदा। भाईचारे का चंदा, विश्वास का चंदा, प्यार का चंदा, तो ये ऐसे ये
चंदा, चंदा से बात याद आई। ये बताइए कि चंदा हो या ऐसा कोई आपके पास गीत है जो चांद और सूरज को समर्पित किया जा सके, या ऐसा कोई गीत है जो देश को समर्पित किया जा सके, भोजपुर में हो जाए, क्योंकि ये गोंडा के रहने वाले हैं और धानीपुर इनके दादाजी का वहां पर घर है और ये बलरामपुर से बिल्कुल सटा है, नेपाल से बिल्कुल सटा है, तो गोंडा के ये धानीपुर के रहने वाले हैं, पर गाँव जाना होता है गोंडा में कभी, भोजपुर में बताइएगा। कबो एक बार गए ना अपने जिंदगी में, पहली बार। तो जिंदगी में एक बार क्यों, बाकी बार कहे ना जाए वो भैया उधार दियो, नगरी कहे ना जाए वो वहां, गोंडा तो गोंडवी के है, वो नगरी है राम की नगरी, क्यों नहीं जाते आप? गोंडा जाए का मौका एक ही बार मिला है, अब सोचिए थे कि हम फिर दोबारा जाइए 2-4 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि पुरानी जमीन है मेरे बाप के नाम, सारा ही सारा सिस्टम देखे है सारा, अब जवान हुई गए ना हम सब। आपको गांधीवादी विचारों से मिला क्या, दूसरे गोडसे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, वो हत्यारा था या देशभक्त? जी गॉडसे जो है वो हत्यारे थे गांधी जी के, और वो देशद्रोही ही हैं, क्योंकि इतने महान, इतने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने उनको गोली मार दी। ऐसे अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते हमारे देश में तो हमारे देश का ये हाल ना होता। जब ऐसी बातें होती हैं तो मेरा मन भावुक हो जाता है, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसे लोग, अच्छे लोगों को हमेशा लोग धुतकारते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, सरकारें बैठ के देखती रहती है, जो करप्ट रहते हैं वही आगे निकलते हैं। तो श्यामलाल गांधी जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, और मैं उन गांधी जिन्हें देश पूर्व महात्मा गांधी कहता है, ये बताइए महात्मा गांधी को ये उपाधि देश ने अभी तक कागजों में नहीं दी, आखिर क्यों? ये सब पॉलिटिकल इशू हैं, ये लोग नहीं देना चाहते हैं ना दें, पर महात्मा गांधी लोगों के दिलों में बसे हैं, बसे रहेंगे। महात्मा गांधी पे एक पिछले दिनों मेरी बात हुई है, सुभाष चंद्र बोस को लेकर बात हुई, मेरी अलग अलग शहीदों को लेकर बात हुई, तो चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुरजीत तिवारी जी हैं, उनसे मेरी बात हुई लखनऊ से फोन पे, तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह को अगर वकील नहीं मिला और उसमें महात्मा गांधी ने उनका साथ नहीं दिया, तो अब गांधीवादी विचारों हैं, तो कुछ ऐसा सुन रखा है आपने भी क्या? जी मेरे ये नॉलेज में नहीं है जी, ना मुझे पता है इस विषय के ऊपर, पर ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के होने के कारण, और जो सत्य का, सच का रास्ता उन्होंने पकड़ रखा था, आज हमें हर जगह पे उस चीज की जरूरत है। गांधीवादी विचार हैं आप, तो आप स्वदेशी ही पहनते हैं, विदेशी नहीं पहनते? स्वदेशी मैं कभी नहीं पहनता, स्वदेशी ही पहनता हूँ, भारत का तैयार किया हुआ है, खादी भंडार से, खादी आश्रम से लाता हूँ, वो पहनता हूँ। मोबाइल कौन सा यूज करते हैं? मोबाइल मैं अभी सिंपल सा यूज करता हूँ, तो वो देशी उसका है कि वो देश का बना है? बाहर देशी है वो। चला देश का बना मोबाइल भी यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात फिल्में देखते हैं आप? फिल्में देखता हूँ, देशभक्ति फिल्में देखता हूँ, ज्यादा रुचि न्यूज में भी रखता हूँ कि मेरे देश में क्या रहा है, कैसे क्या है, और अगर फिल्में देखता हूँ तो रुचि रखता हूँ देशभक्तों की फिल्म देखने का, और पुराने संगीत का मैं जानकार हूँ। चलिए आप मोहम्मद रफी के, आप शहर से मैं बस रहे गुरु रामदास की नगरी, सबसे बड़ी बात बताइए, आप फिल्में भी देखते हैं, रुचि भी बसी है, तो ये बताइए कि आप अपना जो रोजगार है, रोजगार कैसे बढ़ाते हैं, जैसे क्या काम करते हैं आप? जी मेरा पावर लूम का काम है, पावर लूम चलाकर मैं अपना गुजर बसर करता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी छवि का हूँ, कोई अभी मैं पैसे कमा सकता हूँ क्योंकि जैसे मेरे हाथ में है, पर मेरे में उनमें क्या फर्क रह जाएगा, इसीलिए मैं किर्त कमा के, अपना किर्त करके फिर रोटी खाता हूँ, अपने बीवी बच्चों का पेट पालन करता हूँ। क्या बात है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, वकीलत करते हैं, सबसे बड़ी बात आपको मीडिया, पूरा देश दुनिया का मीडिया, बीबीसी लंदन तक लोग और बड़ी बड़ी एजेंसियां, टीवी चैनल वाले आपको ढूंढते क्यों है भाई? कि पीछे मुझे एक आज तक चैनल से फोन आया था, एडिटर साहब का नाम मैं भूल गया, दिल्ली से, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, पर मैं अपने काम के वजह से उनको टाइम नहीं दे पाया, क्यों मैं अब वही करना है काम, वही खाना है, अगर मैं सबको मतलब कि टाइम दूंगा तो फिर मेरा जो 2-4-500 रुपये दिहाड़ी टूट जाएगी।
चलिए, तो ये आज तक इन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया कि इन्होंने अभी बोला कि आज तक से टीम से उनका फोन आया था तो उनको नहीं टाइम दे सके क्योंकि ये दिहाड़ी तोड़े तब ये कैमरे पे आए, तो ये लाइव अमृतसर पर कैमरे पे आए, तो मैं आपका लाइव अमृतसर कैमरे पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और श्यामलाल गांधी जी आपको गांधीवादी विचारों से है और आज शाम हमारे इस प्रोग्राम में आए, तो आज की शाम हमारी लाइव अमृतसर की श्यामलाल गांधी के नाम। तो इसी के साथ ही हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।